भारत अधिकतम जनसंख्या का देश। यहाँ देश की अधिकतर आबादी लाइन लगाती ही मिलती है। कभी पानी की लाइन, राशन की लाइन, आधार कार्ड की लाइन, रोजगार की लाइन। 2016 में जब देश की जनता पैसे के लिए बैंकों के सामने लाइन में लगी थी, तब एक शख्स लाइन लगवा रहा था। बैंकों के सामने नहीं, अपने दिल के सामने, अपने सपनों के लॉकर में लोगों की दुआएं और प्यार जमा कर रहा था। जब 10,000 लोगों की दुआएं साथ हुई तो बोनस मिला डायमंड शिप का, नेटवर्क मार्केटिंग का डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश। यहां तक पहुंचने का सफर गांव की पगडंडी से शुरू हुआ, जो तमाम मुश्किलों से भरा था। गांव लोरिहा पट्टी, सौंख मथुरा। यहीं पर निवास है श्री विजेंद्र सिंह और प्रभा देवी का। 1984 को इन्हीं के घर जन्म हुआ ओम प्रकाश का। तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे ओम प्रकाश। पिता श्री विजेंद्र सिंह आर्मी की जाट रेजिमेंट में तैनात थे और माता प्रभा देवी घर की व्यस्तता के साथ बच्चों का ध्यान रखती। अभी ओम प्रकाश की उम्र सिर्फ 4 साल थी और 1988 में पिताजी का रिटायरमेंट हो गया। पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया। आर्मी स्कूल मथुरा, यही वो स्कूल है जहां से ओम प्रकाश की शिक्षा शुरू हुई। शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था ने 12वीं तक की शिक्षा को बढ़ाया और ओम प्रकाश के व्यक्तित्व को और निखारा। फिर रुख किया KR कॉलेज मथुरा का, जहां से BCom पास किया। 1998 को वो दिन आया जब ओम प्रकाश को साथ मिला बबीता का, साथ फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा और बबीता से वादा किया दुनिया की हर खुशी देने का। अब वक्त था जो वादे अपनी जीवन संगनी से किए थे वो पूरा करने का। तो बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करने लगे। अब पॉकेट मनी ने अपना स्वरूप बदला तो पिता और माताजी का आशीर्वाद लिया और 2007 को बबीता का गौना कर लिया। अपनी जीवन संगनी का साथ और नौकरी, जिंदगी बड़ी आसानी से चल रही थी, पर अपने वादों को पूरा ना कर पाने की मजबूरी और हताशा ओम प्रकाश को परेशान करती। तब मन कुछ और व्यवसाय की तलाश में भटक जाता, पर किसी भी व्यवसाय में अर्थ जरूरी होता है। हाथ में जमा पूंजी के नाम पर कुछ पैसे, जिनसे अपना व्यवसाय संभव नहीं था। तब हाथ लगा एक चमत्कारिक साथ, नेटवर्क मार्केटिंग का। उसे 2010 में ज्वाइन कर लिया। बाहर आपके हौसलों की परीक्षा थी और घर पर पुत्री गोल्डी के जन्म से आपकी खुशी के साथ जिम्मेदारी का आगमन हुआ और दूसरी पुत्री के जन्म ने आपको परिपक्व और आदर्श पिता होने का एहसास कराया। अब जिम्मेदारी हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती। आंखों में सपने, दिल में जोश, शब्दों की कला और अपलाइन का भरोसा। चल दिए अपने सपनों की उड़ान भरने, पर उड़ने की कला में सबसे पहले गिरना पड़ता है।
चट्टाने टूटेंगी, नदियां जब फूटेंगी, धरती सींच जाएगी रोज सवेरे। हो राही दूर नहीं जब तेरी सूखी जमीन फिर से सींच जाएगी रोज सवेरे। कल जो गया वो बीत गया, आएगा वो कल तो हमारा है। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा। दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा। छुप जाए जब तारे चांद भी लोग आपका विरोध करते हैं, आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और आपके सपनों पर प्रहार करते हैं, पर ओम प्रकाश मजबूती के साथ डटे रहे। कई ना के बाद हां का सूरज उनके भविष्य को चमका रहा था। जोश ने सफलता का दामन थामा और बन गए डायमंड लीडर। अपनी पत्नी से किए वादों को पूरा करते, अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते, अपने माता पिता का सहारा बनते, और अपने साथियों का अभिवादन करते डायमंड लीडर ओम प्रकाश।